फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ। वो आज की ट्रिक्स ये है, अगर जो सिंगिंग करना चाहते हैं तो सिंगिंग करने के लिए आपको बता दूँ कि सिंगिंग करना चाहते हैं या कोई भी पर्सन, आप अपने फ़ोन को माइक की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक केवल आप माइक की तरह यूज़ नहीं कर सकते, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आप जो बोलेंगे उसको अगर आप सिंगिंग के पर्पज से लेना चाहते हैं तो अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और उसके बाद में आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी वॉइस कैसी आ रही है, कैसा धुन है, आप लाउडली बोल रहे हैं कि स्लोली बोल रहे हैं, आपको सब आपके ईयरफोन से आपको बता देगा। बाकी रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, ठीक है। तो दोनों फीचर आपको मिलते रहेंगे, तो इसमें काफ़ी अच्छा अपडेट्स है और काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे मिला, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जरूरत बता दूँ आपको कि जैसे मान लीजिए आप माइक चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, अपना फ़ोन को बूफर से कनेक्ट कर दिया ईयरफोन्स लगा के, उसके अलावा फ़ोन में जो भी गाएंगे, ठीक है, फ़ोन में जो भी आप बोलेंगे वो तुरंत बूफर में डायरेक्ट बोलेगा। यानी अगर फ़ोन को आप इस तरह से पकड़ लीजिए माइक की तरह, और माइक की तरह पकड़ने के बाद में गाना गा सकते हैं आराम से। एंड सेकंड, मान लीजिए अगर आपका कोई स्टोर वगैरह है या फिर मान लीजिए दुकान वगैरह है, उसमें आप बूफर लगा दिया और लड़के हैं पीछे, बॉयज वगैरह जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, आप उन पर कंट्रोल कर सकते हैं कैसे कि बेटा जाओ 10 किलो कांटा ले आओ, ये 2 किलो ये ले आना, वो ले आना, इस तरीके से आप आवाज़ लगा सकते हैं, वो पीछे से बंदा ला के दे देगा इजली, क्योंकि बूफर्स की आवाज़ आती है जो तो आपकी वॉइस नहीं पहुंच पाएगी और आप काउंटर बैठे बैठे सबको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड तो ये हो गया आपका। थर्ड ये है कि आपको बता दिया कि आप सिंगिंग आएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी वॉइस, अगर ईयरफोन लगा के आप करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपकी वॉइस जो लाउडली है कि स्लोली है, आपकी धुन क्या जा रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पर अनुरोध करता हूँ, वीडियो पसंद है लाइक कर दें, दोस्तों साथ शेयर कर देना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब बटन आपके वीडियो के नीचे एक आ रहा होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक कर दीजिए, अभी क्लिक कर दीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डालना है माइक, ठीक है, माइक बराबर स्पीकर। मैं आपको बता दूं जो है माइक टू स्पीकर एक एप्लीकेशन होगा, बाकी मैं वीडियो के नीचे कोशिश करूंगा एक लिंक दे दूंगा, आप बस उस पर क्लिक करना है आपको, वहीं आप पहुंच जाएंगे माइक टू स्पीकर, और वहां पे आप जो भी बोलेंगे वो आपको सीधे वॉइस मिल जाएगा। तो सिंपल देखिए, आप सबसे पहले आपको एक परमिशन देनी होगी, उसे एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट करने पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो नॉर्मल जो है नॉर्मल रेटिंग ऐसी रहने दीजिए, अगर नॉर्मल वाकई इसमें चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बताऊँ, जस्ट प्ले साउंड टू माइक टू नॉट सेव, इसमें सेव जो है आपके रिकॉर्डिंग को सेव नहीं होगी जो भी आप बोलेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ पहले, हाँ आप देखिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मैं बोलूँगा वो मेरे ईयरफोन्स में मेरे पास सुनाई देगा कि हाँ जो आप क्या बोल रहे हो और कैसा बोल रहे हो, ठीक है। सेकंड है आपका जो है जस्ट सेव रिकॉर्ड फाइल, तो आपसे क्या सबसे पहले रिकॉर्ड का सेव हो जाएगा, उसके बाद बोलेगा प्ले साउंड फ्रॉम माइक टू स्पीकर सेव रिकॉर्डिंग, तो इसमें आपका बोलेगा भी और सेव भी हो जाए रिकॉर्डिंग। तो आपको इस तरह से फीचर्स दे रखे हैं तो आप कर सकते हैं सेम टाइम में जैसे आप चाहें, और यहाँ पे मोड दे रखे हैं कुछ, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल है, साउंड इफेक्ट है। अब यहाँ पे पुट अप द बैकग्राउंड, यानी मान लीजिए आपने यहाँ से ऑन कर दिया से, उसके बाद पुट अप द बैकग्राउंड कर दिया, तो आप फ़ोन में कुछ भी चलाइए, कुछ भी चलाएंगे लेकिन वो आपके फ़ोन में वॉइस जाएगी जाएगी, मतलब वॉइस जो माइक का काम कर रहा है वो करेगा, ठीक है, ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशन वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये इसका भी आपको मैं डेमो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स हो रही है, रिकॉर्डिंग में कोई डेमो का काम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसका कोई डेमो हो नहीं सकता, तो बस यही है कि आप इसको ट्राई कीजिए, और ये मुझे पता है 100% वर्क कर रहा है क्योंकि मैं अपने चैनल पर जो भी चीज़ आपको डालता हूँ, ये जो चीज़ बताता हूँ वो 100% वर्कफुल होती हैं जो वर्क करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, कल हाजिर होऊंगा या फिर जब भी आपके हाजिर होऊंगा तो एक अच्छी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ लाऊंगा जो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आ जाए इसका फीडबैक मुझे दे देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप जो एप्लीकेशन मैं बताऊंगा वो डाउनलोड करेंगे, वो आपको एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या फिर एप्लीकेशन यूज़ किया तो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, जल्द हाजिर होंगे नेटिव सदा, तब तक धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, अगर हम आप दोनों खो गए, यदि मैं खो गया या आप खो गए तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।